रोडवेज की बस रजवाड़ी क्षेत्र में सड़क किनारे 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। स्पाइसजेट विंटर सीजन में अच्छे एयर ट्रैफिक को देखते हुए फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वहीं टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। बाबतपुर एयरपोर्ट से जयपुर की सीधी उड़ान सेवा 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है। रामनगर की रामलीला के लिए पुतलों को बनाने का काम शनिवार से शुरू हो गया। चूंकि पहले दिन क्षीर सागर की झांकी होनी है, इसलिए शेषनाग के साथ साथ पहले दिन की लीला में काम आने वाले पुतले बनाए जाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। उसके बाद जैसे जैसे जरूरत होगी उस दिन के हिसाब से पुतलों को बनाने का कार्य किया जाएगा। कई दिन की वृद्धि में के साथ फिर से कई दिन की वृद्धि के बाद गंगा का जलस्तर शनिवार से घटने लगा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी घट रहा है, जिससे तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत महसूस किया है। शनिवार की सुबह जलस्तर 65.03 मीटर रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में गंगा में चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री समेत अन्य पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के पदाधिकारी शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से दर्शन पूजन आशीर्वाद किया। वहीं देर शाम कई क्रिकेटर का मां गंगा की आरती में शामिल हुए। सभी क्रिकेटर स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। सीएम के साथ ही वाराणसी के प्रथम नागरिक मेयर अशोक तिवारी और अधिकारियों के अलावा आम महिलाओं ने पीएम का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वाराणसी के गंजारी में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा कर वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देते हुए आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम और सीएम ने खुली जीप में बैठ हेलीपैड से मंच तक लोगों का अभिवादन करते हुए पहुंचे। गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 30 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। गंजारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने नंदी की प्रतिमा देकर किया, जबकि बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने पीएम को प्रतीकात्मक क्रिकेट बैट देकर स्वागत किया। वहीं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी को नमो नाम के क्रिकेट जर्सी देकर स्वागत किया। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर रखे गए अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पीएम का गर्मजोशी से पूरे रास्ते पुष्प वर्षा कर महिलाओं ने आभार जताया। वहीं नारी शक्ति के इस अभिनंदन को पीएम ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिनों तक चले काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होकर प्रतिभागियों एवं विजेताओं की प्रस्तुतियों के दर्शक भी बने। वहीं इस मौके पर पीएम ने उत्तर प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी किया। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडप्पीटू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था उडप्पीटू मुंबई रेस्टोरेंट वाराणसी।